Distribution of alike objects, distribution of alike objects, number of ways in which, हाँ एक और बात तो बतानी भूल गया यार, एक और बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है बंसल सर जो थे एक्चुअली मेरी जो मैरिज कराने का पूरा कंट्रीब्यूशन जो है ना वो बंसल सर को ही जाता है क्योंकि एक्चुअली मेरा ब्रदर इन लॉ जो था वो काफ़ी इंटेलिजेंट था, AIR 84 आया था उसका, जबकि वो AIR 1 के लिए एलिजिबल था, बहुत ब्रिलियंट था पढ़ने में। 2010 में उसने JEE का एग्ज़ाम दिया था, उसके स्टार्ट में मैथ्स में एक्चुअली एक दिन पहले उसने क्या किया, वो किसी दूसरी जगह चला गया मतलब अपने एक रिलेशन में, और उस वजह से उसका फोकस बन नहीं पाया, रात को सो नहीं पाया और उससे नींद ख़राब हो गई, वो पूरे रात भर जगता रहा और फिर सुबह उसका पेपर देना था। बंसल का टॉपर था उस टाइम का, तो मैथ्स का पेपर बहुत अच्छा आया था 2010 का, देखना पेपर। तो स्टार्ट के 2 से 3 क्वेश्चन उसके गलत हो गए, और पहला पेपर जब 2 से 3 क्वेश्चन गलत हो गए उसका प्रेशर उसके ऊपर बन गया, प्रेशर बन गया तो उसको तो सोच के गया था ऑल इंडिया रैंक हमें बन लानी, हम बन के लिए ही पढ़ रहे हैं, समझ में आया क्या। तो उसमें उसका ऊपर प्रेशर बन गया, उस वजह से तो उसके बाकी के और क्वेश्चन गलत हो गए। अब पहला पेपर जब इतना ख़राब हो गया, उसने कहा मेरा सपना तो टूट गया, मैंने 7 दिन 1 करके मेहनत की, अब मैं AIR 1 तो नहीं आऊँगा। तो उसने ये सोच लिया मुझे पेपर देने गया, अब मुझे नहीं देना यार, अब तो बस खेल ख़त्म हो गया। लेकिन चांस के बाद उसके पेरेंट्स उसके साथ गए हुए थे और उन्होंने उसको समझाया, नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, तो बहुत तूने मेहनत की, अभी सेकेंड पेपर बचा, सेकेंड अच्छा कर, बहुत समझाया, देने गया सेकेंड पूरा सही फुल मार्क्स, समझ में आया गया। लेकिन पहला पेपर कर, अगर पेरेंट्स साथ नहीं होते तो पता नहीं, गॉड नोज। तो वही है कि और वो उसके बाद IIT बॉम्बे गया, IIT बॉम्बे में भी उसने बहुत अच्छे मार्क्स लेके आया, टॉप किया है IIT बॉम्बे के बाद, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी गया, स्टैनफोर्ड के बाद उसने गूगल में सीनियर इंजीनियर है, करोड़ों का पैकेज है उसका, बनना है क्या। तो वही बता रहा था कि वो उनका बहुत फेवरेट स्टूडेंट था, तो मेरी जब मैरिज होने वाली थी तो वही उन्होंने बंसल सर ने मतलब उसने पूछा कि सर ये जो राजीव सर आप क्या पढ़ाते हैं तो क्या सर ये अप्रोप्रिएट रहेंगे। उसकी मौसी की बेटी थी तो उन्होंने पूछा, तो बंसल सर ने बोला कि बेटा ये इसका फ्यूचर ब्राइट है, आप आराम से शादी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही हार्ड वर्किंग आदमी है। तो बंसल सर मेरे को बोलते थे बेटा तेरी शादी मैंने कराई है, तू अपने शहर का जो मिठाई जो सबसे अच्छी है वो मुझे ला के खिलाना। तो हमेशा टीज करते थे, और बंसल सर के पास कभी भी मैं मिलने जाता था ना, तो भाई साहब इतने हार्ड वर्किंग, इतना हार्ड वर्किंग पर्सन मैंने अपनी लाइफ में दूसरा नहीं देखा। हार्ड वर्किंग बहुत सारे हैं, बहुत हैं, लेकिन मान के चलो अगर होली को भी मैं मिलने अगर सर से जाता था तो होली में भी वो बैठकर इवनिंग में एक जगह बैठ कर जानते हैं, तो वो क्वेश्चंस बनाते रहते थे टेस्ट पेपर के, बहुत बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन थे। मतलब उनसे हम लोग को इंस्पिरेशन मिलती थी कि जब इस स्टेज में बंदा इतनी मेहनत कर सकता है तो सोचिए उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, और सिर्फ हमको नहीं बहुत सारे टीचर्स ने सीखा है, समझ आया क्या। चलिए थोड़ा सा पढ़ा देते हैं फिर चलते हैं, बैगर्स में तो थोड़ा ही सा पढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं, कल नेक्स्ट टर्म में क्वेश्चन लेंगे, ठीक है यार। बंसल